हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निमीजी नेट पर। दोस्तों, पहले हमने एक वीडियो की थी बेसिक पोल्यूशन के बारे में। पोल्यूशन क्या होता है, उसके कितने प्रकार होते हैं, जैसे हमने जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण किया था। और आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि प्रदूषण से आज तक किस तरह से क्वेश्चन आए हैं और आगे भी किस तरह से क्वेश्चन आने की संभावना है। और दोस्तों, इसमें ऐसे क्वेश्चन भी मैं आपको दिखाऊंगा जो काफ़ी बार डिट्टो कॉपी रिपीट हुए हैं, जो जून 2019 के अंदर भी आए हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि हमें क्वेश्चन को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, कॉन्सेप्ट करने के बाद में हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें से क्वेश्चन किस तरह से पुटअप किए जाते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इस वीडियो का पूरा देखना और ध्यान से देखना। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं जून 2012 के क्वेश्चन पेपर पे। इसमें देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 31 दिया है, नेत्रों में जलन किस प्रदूषक वस्तु के कारण होती है। तो इसका जो आंसर है, इन्होंने पेन दिया है। पेन जो होता है दोस्तों, जो हमारे धुआं होता है, धुएं से निकलता है। और आगे हम बात करें दोस्तों, आगे हमारे पास क्लोरोफ्लोरोकार्बन का स्रोत कौन सा है, CFC का स्रोत कौन सा, कहाँ से ज़्यादातर निकलती है। तो इन्होंने यहाँ पर इसका आंसर दिया है दोस्तों, रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशन से बहुत ज़्यादा निकलती है। और CFC जो है दोस्तों, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से 3 से 4 बार क्वेश्चन आए हैं और आगे मैं दिखाऊंगा, आप देखना कि इसमें से किस तरह से क्वेश्चन आए हैं। और आगे जैसे हम बात करें, ये दिसंबर 2012 का क्वेश्चन पेपर है, निम्नलिखित में से कौन सा मीथेन का स्रोत है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर ए यानी कि आइसथल वेटलैंड्स जो दिया है, ये मीथेन का मुख्य स्रोत है। और यहाँ पे एक चीज़ देखना दोस्तों, इन्होंने इनके स्रोत पूछे हुए हैं, जितने भी गैसेस वगैरह है, हानिकारक चीज़ें हैं, उन सभी के इन्होंने ज़्यादातर स्रोत पूछे हुए हैं और उनसे क्या क्या बीमारियाँ होती, ये दो चीज़ मुख्य रूप से पूछी हुई है। तो अब हम आगे देखेंगे, आप देखना दोस्तों। और आगे जैसे इन्होंने ये पूछा हुआ था कि जापान में मिनी माता आपदा किसके प्रदूषण के कारण हुई थी, तो इसका आंसर है दोस्तों पारा। तो ये पारा के कारण हुई थी, ये भी यानी कि एक बीमारी का ही टाइप हम कह सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों, ये हमारे पास जून 2013 का क्वेश्चन पेपर है, इन्होंने यहाँ पे पूछा हुआ कि भारत के शहरों में धूम में मुख्यतः शामिल होते हैं, धूम यानी कि जो कोहरा जो होता है उसमें क्या क्या शामिल होता है। तो इसके अंदर ये है दोस्तों, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और अनजले हाइड्रोकार्बन मुख्य रूप से शामिल होते हैं। और उसके बाद में हम बात करें दोस्तों, ये दिसंबर 2013 का क्वेश्चन है, इसमें शहरी क्षेत्रों में प्रदूषणकारी गैस कार्बन मोनोऑक्साइड CO का प्रमुख स्रोत क्या है। तो इसमें जो आंसर है दोस्तों, इसका है परिवहन क्षेत्र दिया हुआ है। तो आप ये देख सकते हैं दोस्तों, इनके जो ओरिजिन क्षेत्र है यानी कि कहाँ से उत्पन्न होते ये पूछे जा रहे हैं, और दूसरा इनसे क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ रहे हैं, ये चीज़ यहाँ पर पूछी जा रही है। और आगे हम देखते हैं दोस्तों, आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि दुनिया भर में जल प्रदूषण में सबसे अधिक योगदान देती है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों, कृषि है, कृषि से सबसे ज़्यादा जल प्रदूषण होता है। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि जल प्रदूषण है वो किस तरीके से सबसे ज़्यादा कृषि से होता है। और इसमें से बाद में भी क्वेश्चन आए हैं दोस्तों, मैं अभी आपको दिखाऊंगा, ये वीडियो आप पूरा देखना दोस्तों, क्योंकि इसमें बहुत से क्वेश्चन मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो डिट्टो कॉपी रिपीट हुए हैं। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों, ये जून 2014 का क्वेश्चन पेपर है, और इसके अंदर देखिए, ताज़ा जलाशयों में जैविक प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है, ये क्या पूछ रहा है, ताज़ा जलाशयों में जैविक प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है। ताज़ा यानी कि ताज़ा कोई भी नदी तालाब वगैरह है, तो उसमें जो जल प्रदूषण होता है वो किस वजह से होता है। तो इसका आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी यानी कि मल जल का प्रवाह, सीवेज। सीवेज जो होता है दोस्तों, वो सबसे ज़्यादा प्रदूषण करता है ताज़ा जलाशयों में, यानी कि जो शुद्ध पानी होता है उसमें ज़्यादा प्रदूषण ये करता है। और इसमें से 3 बार क्वेश्चन आए हैं दोस्तों, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, पूरी वीडियो देखना। उसके बाद दोस्तों, हमारा दिसंबर 2014 का क्वेश्चन पेपर, और इसमें इन्होंने पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी मनोत्पत्ति संबंधी गतिविधियाँ 2/3 अधिक वैश्विक जल उपयोग के लिए उत्तरदायी है। अब ये देखिए, 2/3 जो हम जल का यूज़ करते हैं वो किसके अंदर करते हैं, ये यहाँ पे इन्होंने पूछा हुआ है। तो इसका आंसर देखिए, ऑप्शन नंबर ए यानी कि कृषि, यहाँ पे दोबारा अब देखिए कृषि आ गया ना इसका आंसर, और ये क्वेश्चन पहले भी आया था, यानी कि सबसे ज़्यादा जो जल प्रदूषण होता है वो किससे होता है, कृषि कार्यों से होता है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हुआ है। और उसके बाद में हम जैसे बात करें, अगला क्वेश्चन है, मानव उत्पत्ति संबंधी स्रोतों में से कौन सा
गैसीय प्रदूषक तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन वायु में से है। यानी कि इसने ये कहा है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC जो है वो इनमें से किससे सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, वो इन्होंने पूछा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि फॉर्म उद्योग। और पहले क्या था दोस्तों, वहाँ पे लिखा हुआ था रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशन से CFC ज़्यादा उत्पन्न होता है। लेकिन यहाँ पे रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशन का ऑप्शन नहीं दिया है, तो इसका जो आंसर आएगा दोस्तों फोम उद्योग होगा। और जो CFC है दोस्तों वो काफ़ी जगह से उत्पन्न होता है, और इसके बारे में हम दोस्तों डिटेल से आगे की वीडियो में जानेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये देख लीजिए कि क्लोरोफ्लोरो मुख्यतः कहाँ से होता है, एक तो फोम उद्योग से और एक हमारा जो रेफ्रिजरेटर है और एयर कंडीशन है वहाँ से CFC ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। और आगे हम क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों किस तरह से रिपीट हुए हैं क्वेश्चन। ये देखिए, भारत में हाल ही में प्रारंभ किए गए वायु गुणवत्ता सूचकांक में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक सम्मिलित नहीं किया गया। अब देखिए दोस्तों, वायु गुणवत्ता सूचकांक एक भारत द्वारा शुरू की गई एक योजना है। इसके अनुसार क्या होता है कि हम काफ़ी तरह की गैसों को शामिल करते हैं और उसमें बताते हैं कि कौन सी हानिकारक है, कौन सी हानिकारक नहीं है। तो उसके अंदर जो एक बहुत बड़ी लिस्ट दी हुई है उसके अंदर कौन सी नहीं है वो हम देख लेते हैं कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये क्या है कि इस लिस्ट के अंदर शामिल नहीं है। और ये जो है दोस्तों वायु गुणवत्ता सूचकांक है, ये हम अगली वीडियो में करेंगे, उसके अंदर मैं आपको पूरा बताऊँगा कि ये वायु गुणवत्ता सूचकांक कब आया था और इसका उद्देश्य क्या है और इस लिस्ट में कौन कौन सी गैस शामिल है। तो इसके बारे में हम आगे की वीडियो में आपको डिटेल से बताएंगे। और अभी इस वीडियो में हम दोस्तों केवल और केवल ये देख रहे हैं कि क्वेश्चन है वो किस तरह से आते हैं और किस तरह से रिपीट होते हैं। और आगे दोस्तों हमारे पास दिसंबर 2015 का क्वेश्चन पेपर, इसके अंदर देखिए, ग्रामीण घरों नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रदूषण का स्रोत हो सकता है। अब जो हमारे ग्रामीण घर होते हैं उसके अंदर नाइट्रोजन ऑक्साइड का सबसे प्रमुख कारण क्या है, प्रमुख स्रोत क्या है वो हमें बताना है नाइट्रोजन ऑक्साइड का। अब देखिए इन्होंने ऑप्शन दिया है ए बी सी, इसका आंसर दिया है यानी कि ए सुविधा रहित गैस चूल्हे, यानी कि अच्छे तरीके से जो गैस चूल्हे वो रख रखाव ना करना गैस चूल्हा का, वो हो गया लकड़ी के चूल्हे हैं उससे ज़्यादा होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड, और उसके बाद में मिट्टी के तेल वाले जो हीटर होते हैं उनसे भी नाइट्रोजन ऑक्साइड ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। और उसके बाद में हम बात करें दोस्तों निम्नलिखित में से किस प्रदूषक के कारण मानव को कैंसर हो सकता है, तो इसमें दिया दोस्तों ऑप्शन नंबर टू यानी कि पारे से मानव कैंसर होता है। और अगर दोस्तों आपने ध्यान दिया हो इस वीडियो में तो पारा से अभी तक 3 बार क्वेश्चन हमने कर लिए, तो आप देख सकते हैं दोस्तों किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। और आगे हम देखते हैं दोस्तों, आगे हमारे पास है ये जुलाई 2016 का क्वेश्चन पेपर, इसमें देखते हैं शहरी क्षेत्रों में ऐसे वायु प्रदूषक को चिन्हित कीजिए जिससे मनुष्य की आंख और श्वसन नली में जलन होती है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों सतही ओजोन यानी कि सरफेस ओजोन यहाँ पे दिया हुआ है। और ये क्वेश्चन दोस्तों हमने 2012 में भी किया था, लेकिन वहाँ पर इसका जो आंसर था वो कुछ और था, ठीक है। रुकिए मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखिए यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि नेत्रों में जलन किसके कारण होते हैं, तो इसमें जो आंसर है पैन दिया हुआ था, और लेकिन यहाँ पे जो है दोस्तों दूसरी गैसेस यहाँ पे हमें दी हुई है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ ये देखिए, मनुष्य की आँखों में जलन, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन क्या दिया है दोस्तों सतही ओजोन दिया हुआ है, यहाँ पे पैन नहीं दिया हुआ। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना थोड़ी ज़रूरी है दोस्तों। और आगे हम करते हैं दोस्तों, आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 48। ये देखिए, भारत की बड़ी बड़ी नदियों में जल प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। अब इसका आंसर देखिए दोस्तों, इसका आंसर है ए, यानी इसका आंसर है दोस्तों ए संशोधित मल जल यानी कि सीवेज। अब देखिए ये आ गया, दूसरी बार रिपीट हो गया ना सीवेज का, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। वो क्वेश्चन क्या था दोस्तों, उसके अंदर ये था कि जो हमारे ताज़ा जलाशय हैं उसके अंदर जल प्रदूषण किस तरह से होता है, तो उसका आंसर भी क्या था असंशोधित मल जल था यानी कि सीवेज था। तो देख सकते हैं कि किस तरह से रिपीट हो रहे हैं, और यही क्वेश्चन आगे भी रिपीट हुआ है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा।
और आगे बात करते हैं दोस्तों, ये हमारा अगस्त 2016 का क्वेश्चन पेपर है। बांग्लादेश और भारत के कुछ भागों में भूजल में आर्सेनिक प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? तो इसका जो आंसर है इन्होंने ये दिया है, प्राकृतिक स्रोत दिया हुआ है। अब बात करते हैं दोस्तों, जो प्राकृतिक स्रोत है वो किस तरह से आर्सेनिक प्रदूषण का मुख्य कारण है। अब इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जो आर्सेनिक है दोस्तों, जो हम नलकूप वगैरह लगाते हैं तो उनसे आर्सेनिक निकल है काफी बार, तो इसके बारे में डिटेल में हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों, ये है हमारा जनवरी 2017 का क्वेश्चन पेपर। इसमें कहा है कि शहरी क्षेत्रों में नाइट्रोजन ऑक्साइड के प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है? अब देखिए, शहरी क्षेत्रों में हम पहले भी एक क्वेश्चन कर चुके हैं, ये दोबारा फिर रिपीट हुआ है, तो इसके अंदर जो आंसर है दोस्तों, इसका आंसर है सड़क परिवहन। सड़क परिवहन जो है वो शहरी क्षेत्रों में नाइट्रोजन ऑक्साइड का सबसे बड़ा स्रोत है। तो दोस्तों आप यहाँ से ध्यान दो कि किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से जल जनित रोग नहीं है, यानी कि जल के द्वारा जो रोग नहीं होता वो हमें बताना है। तो दोस्तों डेंगू जो है वो जल के द्वारा नहीं होता, डेंगू क्या होता है, मच्छर के काटने से होता है। तो और दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ आप नोट करो कि दो तरह के क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं। एक सबसे पहला क्वेश्चन तो ये पूछा जा रहा है कि क्या बीमारी होती है, यानी कि इस गैस से, इस पानी से क्या बीमारी होती है, ये पूछते हैं। और दूसरा ये पूछते हैं कि ये जो गैस है इसका मुख्य स्रोत क्या है, ओरिजिन यानी कि सोर्स क्या है। तो ये चीज़, इन दो चीज़ें यहाँ पे बार 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 पूछी जा रही है, तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिए दोस्तों। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों, किस देश में हाल ही में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने संबंधी अंतर्राष्ट्रीय करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो रवांडा के अंदर एक सम्मेलन हुआ था दोस्तों, उसके अंदर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को बंद करने का निर्णय लिया गया था। और आगे हम देखते हैं दोस्तों, आगे किस तरह से, ये नवंबर 2017 का क्वेश्चन पेपर है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक श्वसन तंत्र से जुड़ी बीमारियों का प्रमुख कारण है? तो इसका जो आंसर है दोस्तों, विलंबित सूक्ष्म कण यानी कि सस्पेंडेड फाइन पार्टिकल, जो हमने बात की थी ना, जो छोटे 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 कण होते हैं वो हमारे श्वसन के अंदर बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों, आगे हमारे पास निम्नलिखित में से कौन सी प्रदूषक गैस प्राकृतिक रूप से और औद्योगिक गतिविधि के परिणाम स्वरूप दोनों से उत्पन्न होती है, यानी कि आर्टिफिशियल और नेचुरल तरीके से कौन सी उत्पन्न होती है वो हमें बताना है। तो इसका आंसर है दोस्तों, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, CFC से ये हमारा चौथा क्वेश्चन यहाँ पर आ गया। तो CFC हमारे लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है करना, तो इसके बारे में हम पूरी डिटेल से वीडियो आगे डालेंगे दोस्तों। ये जितनी भी हमने गैसेस बात की है, NO2 हो गया, CO2 हो गया और CFC हो गया, इन सभी के बारे में डिटेल से वीडियो हम आगे डालेंगे। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा ईंधन पर्यावरण के सबसे अनुकूल है, यानी कि ऐसा कौन सा ईंधन है जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता? तो इसका आंसर है दोस्तों, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है वो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता। और उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, जुलाई 2018 का क्वेश्चन पेपर है ये। ताप विद्युत संयंत्रों में उत्पादित फ्लाई ऐश एक पर्यावरण हितैषी संसाधन है जिसका उपयोग किया जाता है, ये हमें बताना है दोस्तों। फ्लाई ऐश का मैंने बताया था दोस्तों कि जो फ्लाई ऐश है, जो चिमनियों वगैरह से जो राख होती है उसे हम फ्लाई ऐश कहते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए लाभदायक भी हो सकती है। देखते हैं दोस्तों कहाँ लाभदायक होगी। अब देखिए, इसने ऑप्शन नंबर 4 दिया है, 4 में ABCD यानी कि चारों के चारों दिए हुए हैं, यानी कि एक तो इसमें सूक्ष्म पोषक के रूप में इसको यूज़ कर सकते हैं कृषि के अंदर, दूसरा है बंजर भूमि के विकास के लिए, तीसरा है बांध और जल धारण संरचनाओं में, अगर हमें बांध बनाना हो, डैम वगैरह बनाना हो तो इसका यूज़ कर सकते हैं, और ईंट उद्योग यानी कि ईंट बनाने के लिए भी हम फ्लाई ऐश का उपयोग कर सकते हैं। और आगे दोस्तों, आगे हमारे पास क्वेश्चन, भारत की नदियों में निम्नलिखित में से किसको प्रदूषण का प्रमुख स्रोत माना जाता है? अब ये देखिए दोस्तों, इसका आंसर तीसरी बार फिर ये रिपीट हो गया, असंशोधित वहित मल यानी कि सीवेज। अब आप देख सकते हैं दोस्तों, आपके सामने बिल्कुल है ये क्वेश्चन, डिट्टो कॉपी 3 बार रिपीट हो चुका है। और ये देखिए लास्ट बार कब आया था हमारा, जुलाई 2018 के अंदर आया था। तो इसकी संभावना बनती है दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन जो है वो अब की बार भी आ सकते हैं, दिसंबर के एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं।
और आगे हम बात करें दोस्तों, ये दिसंबर 2018 का एग्ज़ाम है, इसके अंदर हम देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला, चलिए इसे हम इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश करते हैं, हिंदी में थोड़ा ही उठपटांग दिया हुआ है। विच ऑफ द फ्लोविंग गैसेज इनिशिएट इन चेन रिएक्शन दैट ब्रेक डाउन ओजोन इन द अपर एटमोसफेयर, यानी कि ऐसी कौन सी गैस है दोस्तों जो ओजोन लेयर को ब्रेक डाउन करती है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों क्लोरीन, यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों, आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 39, भोजन की खपत के कारण मनुष्य में उच्च स्तरीय सीसा पीबी का जोखिम हो सकता है। दोस्तों यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो पीबी है, सीसा है, वो अगर मनुष्य के अंदर भोजन के द्वारा चला जाए अधिक मात्रा में तो उससे क्या क्या इफ़ेक्ट हो सकता है वो हमें बताना। तो सबसे पहले इससे दोस्तों एक तो जैसे मेंटल रिट्रेडेशन हो सकता है, दूसरा है हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, तीसरा है दोस्तों डिसऑर्डर ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये तीन तरह की चीज़ें हो सकती है पीबी यानी कि लेड सीसा अगर हमारे अंदर ज़्यादा मात्रा में चला जाए तो। और अब आगे दोस्तों हमारे पास जून 2019 का क्वेश्चन पेपर, अब इसमें इन्होंने पूछा कि सतही ओजोन है उसके निर्माण में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है। और सतही ओजोन से अगर आपको ध्यान हो दोस्तों तो पहले भी एक क्वेश्चन आ चुका है और अब की बार दोबारा फिर इसमें रिपीट हुआ है। तो हम देखते हैं दोस्तों जो सतही ओजोन है उसके निर्माण में कौन कौन भूमिका निभाता है। यह ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ए बी डी, ए है नाइट्रोजन के ऑक्साइड, बी है सल्फर के ऑक्साइड और डी है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये तीन के तीन हमारे सतही ओजोन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों, ये हमारा 24 जून 2019 का क्वेश्चन है, इसमें ये कथन अभिकथन दिया है। सबसे पहला कथन है दोस्तों, सौभ मंडल में ओजोन की उच्च सांद्रता वांछनीय है। और अगर आप चाहें तो दोस्तों इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, हाई कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन इन द ट्रेटोस्फेयर इज डिजायरेबल। अब इन्होंने ये कथन अभिकथन दिया, हमें देखना ये सही है या गलत है। तो दोस्तों ये जो है डिजायरेबल नहीं है हमारे लिए, इसकी सांद्रता वांछनीय नहीं है, ये हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, कारण इन्होंने दिया है वायुमंडल में मौजूद ओजोन सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की सतह पर रहने वाले जीवों की रक्षा करता है। ये बात इसकी बिल्कुल सही है दोस्तों, जो हमारी ओजोन लेयर है वो क्या करती है, पराबैंगनी किरणों से हमें बचाने का काम करती है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी कि ए फाल्स और आर ट्रू। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर बिल्कुल आसानी से हम दे सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपने देखा कि किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं और किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एक तो बीमारी से रिलेटेड और एक उनके ओरिजिन से रिलेटेड पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो ये अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों।